इज द बर्थ ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स और फिर बाहर. तो पिछले जब से अमेरिका बना है तब से ये इतना ही हुआ. जी अंकल, अब हम जा रहे हैं सैन फ्रांसिस्को गोल्डन गेट. ओके. और उसके बाद हम जाएंगे पियर 39, लोम्बार्ड स्ट्रीट और मियर वुड चले जाएंगे. वो फॉरेस्ट बड़ा अच्छा फॉरेस्ट है. बिफोर ऑल दैट हम लोग पहले रुकेंगे स्टारबक्स में. मैंने कॉफ़ी पीनी है. आ जाऊँ दोस्तों, और मेरी जो सैन फ्रांसिस्को और सैन होज़े की यात्रा थी उसकी शुरुआत हो रही है. वीडियो मैंने पहले अपलोड किया था उसको, लेकिन मेरे को उसको डिलीट करना पड़ गया क्योंकि मैंने कुछ गलत इन्फॉर्मेशन दे दी थी और किसी ने उसको पॉइंट आउट किया. तो थैंक यू सो मच फॉर दैट. तो आज मैं जा रहा हूँ, जो सबसे पहले शुरुआत कर रहा हूँ, सैन फ्रांसिस्को के पास में एक जगह है मियर वुड्स, नेशनल मॉन्यूमेंट है, वहाँ जा रहा हूँ मैं सबसे पहले. और जिस ब्रिज पर मैं जा रहा हूँ, ये गोल्डन गेट ब्रिज के नाम से मशहूर है, लेकिन यहाँ का एक फिनोमेना इतना ख़तरनाक है कि यहाँ बार बार जो है फॉग का फॉर्मेशन होता रहता है ब्रिज के ऊपर, तो मुश्किल होती है उसको देखने में. लेकिन फिर भी मैंने वहाँ पर कुछ समय व्यतीत किया है और एक दो फ़ोटो लिए हैं. लेकिन आगे आने वाले जो मेरे वीडियो होंगे उसमें डिफरेंट एंगल से मैंने इस ब्रिज को रिकॉर्ड किया है, जिसको आप देख सकते हो. और ब्रिज का कंस्ट्रक्शन हुआ था शुरू 1933 में और कंप्लीशन इसका हुआ था 1937 में. लगभग 4 साल लगे हैं इस ब्रिज को बनने में. और जिस समय ये ब्रिज बना था उस समय ये दुनिया का सबसे बड़ा सस्पेंशन ब्रिज था. अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य में बहुत सारे कोस्टल रेडवुड के नेशनल पार्क हैं. आप जहाँ पर कैलिफोर्निया में आते हो वहाँ पर आप सर्च करके देख सकते हो कि आपको कहाँ पर जाना चाहिए. मैं क्योंकि सैन होज़े में आया था तो मेरे पास जो था ये मियर वुड फॉरेस्ट था, तो मैं यहीं पर आया हूँ. और इन पेड़ों की जो खासियत है, कोस्टल रेडवुड्स की बता रहा हूँ. एक तो ये कि दुनिया में सिर्फ कैलिफोर्निया में और सदर्न ओरेगन में वहाँ पाए जाते हैं, उसके अलावा कहीं नहीं पाए जाते हैं. और जो इनके पूर्वज थे वो इस पृथ्वी के ऊपर लगभग कोई 200 मिलियन ईयर्स से रहते आए हैं और ये उनके बच्चे कच्चे हैं जिनको आप यहाँ पर आज देख रहे हो. तो एक तरीके से इनको प्रिजर्व किया गया है यहाँ पर कैलिफोर्निया के एरिया में. और देखो एक बात है कि जिसका जन्म हुआ ना उसकी मृत्यु जो है वो अवश्यंभावी है, इसलिए पेड़ भी पैदा होते हैं और मरते रहते हैं. एक पेड़ जिसकी मृत्यु हुई थी, चलो देखते हैं उसके बारे में जानते हैं. आज से 1300 साल पहले ये दरख्त पैदा हुआ था. दैट्स हाउ ओल्ड दिस ट्रंक इज. पेड़ों की अंकल पता नहीं, जितने आप नीचे रहते हो उतनी पुरानी लेयर मिलती है. ये लेयर 909 AD, 1130-35 यहाँ पर. दिस इज द बर्थ ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स और फिर बाहर. तो पिछले जब से अमेरिका बना है तब से ये इतना ही हुआ. ये डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, यहाँ से यहाँ तक ये अमेरिका की हिस्ट्री, ये सारा उससे पहले का. कोस्टल रेडवुड ट्रीज जो होते हैं वो दुनिया के टॉलेस्ट ट्रीज में इनकी गिनती होती है. 300 फीट तक ग्रो कर सकते हैं. और यहाँ पर आपको एक लेफ्ट साइड पे एक काले रंग का पाइप दिखाई दे रहा है. दिख रहा है ना काला पाइप लेफ्ट साइड में, वो काला पाइप आ रहा. इसकी बड़ी दिलचस्प कहानी है, सुनोगे तो मज़ा आएगा. और मैंने कहा है कि वीडियो जो है जानकारी के लिए है. देखो वहाँ लिखा हुआ व्हाई इज दिस पाइप हियर. और जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि जो प्राकृतिक नाले होते हैं और नदियाँ जो होती हैं वो सारी जाकर समुंदर में मिलती हैं, तो यहाँ पर एक प्राकृतिक नाले को उसके पानी को रोक कर और इस पाइप के ज़रिए आगे ले आके डाला जा रहा है. और जो पूरा पैसेज है बीच का, वहाँ पर एक हाईवे है. आपने सुने होंगे हाईवे इंसानों के लिए, लेकिन जो पैसिफिक ओशन के और अटलांटिक ओशन के आसपास के एरिए हैं वहाँ पर एक विशेष प्रजाति की मछलियाँ पाई जाती हैं जिनको बोलते हैं सैमन. और उन मछलियों की ये खासियत है कि वो फ्रेश वाटर में तो प्रजनन करती हैं या अंडे देती हैं, और जब उनके बच्चे बड़े हो जाते हैं तो फिर वो उनको लेकर समुंदर में चली जाती हैं. और फिर मोस्ट ऑफ द टाइम जो उनका है वो समुंदर में व्यतीत होता है. और फिर उसके बाद जब प्रजनन का समय आता है तो वो समुंदर से जो नदियाँ या जो नाले हैं उनकी धाराओं के विपरीत उस स्थान पर जाती हैं जहाँ पर वो पैदा हुई थी. और फिर वहीं पर जाकर वो अपने अंडे वगैरह देती हैं और बच्चे पैदा होते हैं उनके, और फिर वहाँ से वापस जो है समुंदर में चली जाती हैं. तो ये प्रक्रिया एक तरीके से निरंतर चलती रहती है.
और देखो कोस्टल रेडवुड ट्रीज के बारे में आपको एक बात तो ये पता लगी है कि नॉट ओनली द टॉलेस्ट ट्रीज ऑन द प्लेनेट, दे आर ऑल्सो सम ऑफ द ओल्डेस्ट लिविंग थिंग्स ऑन अर्थ। इतने पुराने कि जितने डायनासोर के पीरियड से इनके पूर्वज रहते चले आ रहे हैं, ये तो खैर बच्चे हैं उनके और यहाँ पर रह रहे हैं। तो आपको आज एक कुछ तो नया जानने को मिला होगा मेरे वीडियो के ज़रिए कि जो कोस्टल रेडवुड ट्री हैं उनकी क्या खासियत है और कहाँ पे पाए जाते हैं, कैलिफोर्निया और सदर्न ओरेगन में, ओरेगन हमारे पास की स्टेट है। और ये जो आपने पाइप है ये देख ही रहे हो आप कि इस रास्ते से होकर जो सैमन मछलियाँ हैं वो अपने बच्चे वगैरह पैदा करने के बाद में वापस समुद्र में जाती हैं और मोस्ट ऑफ द टाइम जो उनके जीवन का है वो समुद्र में व्यतीत करती हैं। और जब दोबारा से फिर प्रजनन का समय आता है तो फिर वापस उन्हीं स्थानों पर आती हैं जहाँ पर वो पैदा ही होती हैं। फिलहाल आप एक कैनोपी देखो, यहाँ पे लिखा है कैनोपी व्यू ट्रेल। तो बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ पर आप जाओ और जब देखो ऊपर सर उठाकर तो इतने ऊपर आपको देखना पड़ेगा कि आप गिर सकते हो पीछे। मेरे पास वक्त नहीं था यार ना, मेरे पास हार्डली 3 दिन थे, तो 3 दिन में आप कितना रिकॉर्ड कर लोगे, कितना क्या कर लोगे। तो फिर भी एक मैंने कोशिश करी है कि अपने वीडियो के ज़रिए मैं जहाँ पर भी जाऊँ वहाँ के लिए आपको कुछ ना कुछ ऐसी जानकारी दूँ जो शायद आपके काम में आए, या हो सकता है आपने ना सुनी हो, या हो सकता है आप कैलिफोर्निया आ रहे हो तो आप इन जगहों पर आओ और देखो इन जगहों को ये क्या जगहें हैं। Shaking electric, trying to stay calm and collected. On that summer afternoon, you were shining. मैंने आपसे अभी सैमन मछलियों के बारे में बात करी थी, तो ये वो पैसेज है जिसको सुगम बनाया जा रहा है, मतलब इस पैसेज का कंस्ट्रक्शन या रिकंस्ट्रक्शन किया जा रहा है ताकि जो मछलियां हैं उनको इस एरिया से जाने में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। तो आपने देखो लिखा भी है व्हाट इज़ द कंस्ट्रक्शन फॉर, कोहो सैमन फिश है उनका ये एरिया है। और जो जब कंस्ट्रक्शन होता है तो फिर धूल मट्टी पत्थरों के ऊपर आ जाती है जो नेचर में उनके ऊपर नहीं होती है, वो पानी के नीचे होते हैं जब नदी का या नाले का प्रवाह चल रहा होता है। तो इस सब को पूरा धो के साफ करके जब ये ख़त्म करेंगे तो आप ये कह सकते हो कि ये हाईवे का जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है वो उन मछलियों के लिए हो रहा है जो अपने प्रजनन के लिए फ्रेश वाटर में आती हैं, और उसके बाद जब उनका प्रजनन का समय पूरा हो जाता है, बच्चे बड़े हो जाते हैं, तो लेके वापस समुंदर में चली जाती हैं। आज के लिए इतना ही। अभी मेरी जो कैलिफोर्निया की जो मेरी विजिट थी उसके कुछ और वीडियो हैं जो मैं डालूंगा, और जाने का वक्त हो रहा है यार। जाने से पहले जो मेरा यूट्यूब का फैमिली है वो जानता है, जाने से पहले मैं क्या कहता हूँ, जाने से पहले वही बात मेरे यार, शब्बा खैर, बाय गाइस, फिर मिलूंगा किसी और वीडियो में। और गलती से कोई बात गलत बोल दी हो तो उसके लिए आई एम सो सॉरी। World's expanding, feels like love, even though we're kind of